I-Gurukul is the leading institute for IIT-JEE and medical. हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में फ्रिक्शन के बारे में कुछ पढ़े थे। फ्रिक्शन में हमने ये पढ़ा था कि कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं, और इसके बारे में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ जो है हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। जो न्यूमेरिकल थे वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में और कुछ वर्टिकल प्लेन में हम लोग कैलकुलेट किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि मिनिमम फोर्स कितना हम लोग अप्लाई किया जाए कि कोई भी ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे। तो आज का हेडिंग है, नोट कर लीजिए हेडिंग आज कि फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। ऐसे कहें कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। कितनी मिनिमम फोर्स हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। ये तो आज की टॉपिक है। इसमें हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ भी चुके हैं। आज देखते हैं हम लोग कि क्या कितनी मिनिमम फोर्स होना चाहिए। तो कंसिडर करते हैं कि इस सरफेस पर फ्रिक्शन रफ सरफेस पर एक ब्लॉक है मास एम, जिसपे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को एफ कंसीडर करते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। अब इसके वजह से, इस फोर्स की वजह से हमें मिनिमम फोर्स अप्लाई फाइंड करना है। तो फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। तो इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी अगर हम बनाएं ऐसे, तो इसका एफबीडी मास एम नीचे की तरफ धरती माता, इस पे फोर्स आएगी एम जी, ऊपर तरफ नॉर्मल रहेगा, तो अपवर्ड वर्टिकल में नॉर्मल, और नॉर्मल लग रहा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो इधर एफ इक्वल टू म्यू एन फ्रिक्शन रहेगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा और ये होगा एफ कॉस थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वो होगा एफ साइन थीटा। हम लोग रिजो वेक्टर को रिजोल्व करना जानते हैं। और अगर बॉडी चाहते कि इधर मूव करे, ए से एक्सलेट करे, कि तो हमें यहां पे फाइंड करना होता है इधर मूव करनी चाहिए, मिनिमम क्या फोर्स होना चाहिए ये कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गई। अब हम फाइंड करते हैं यहां से कि मिनिमम फोर्स के लिए नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा था, नेट फोर्स जीरो। यहां से कैलकुलेट करें हम, तो एन प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। एन कैलकुलेट करें क्योंकि हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, तो एन कैलकुलेट कर दे, एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, हमने एन कैलकुलेट कर लिया। तो इसके वजह से फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू देखें, फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू एन फ्रिक्शन, और यहां से देखें तो म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये होगा फ्रिक्शन। अब हमें क्या चाहिए,
कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां से हम कैलकुलेट करें तो नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये एमए के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं यहां से, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स ये जो जगह इक्वल टू एफ कॉस थीटा समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एफ कॉस थीटा माइनस एफ। यहां से अगर देखें हम लोग तो एफ की वैल्यू यहां पुट करते हैं, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी, म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, तो एफ को अगर रीअरेंज करें हम लोग, एफ को रीअरेंज करें यहां से एफ कॉमन आएगा और यहां से कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू एम जी, ये हो गया नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर हमें इस ब्लॉक को मूव कराना है, मूव ब्लॉक को मूव कराना है, तो ये जो नेट फोर्स होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फॉर मूव, फॉर मोशन ऑफ द ब्लॉक, फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक एफ एक्स, नेट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हम ग्रेटर देन जीरो करते हैं यहां से, तो इसको अगर ग्रेटर देन जीरो करें यहां से, तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू एम जी, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम यहां से एफ निकालते हैं, तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, मिनिमम का कंडीशन ले रहा है तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये जो अलग है इक्वल टू हम लोग यहां से अप्लाई कर सकते हैं, तो म्यू एम जी। फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम एफ, फॉर मिनिमम एफ, तो एफ इक्वल टू मिनिमम की बात कर रहे हैं तो एफ इक्वल टू की साइन लगा सकते हैं क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू होगी, तो म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करें हम लोग, मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, या तो इसको डिफरेंशिएट करें, क्या करें इसको डिफरेंशिएट करें, या हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए हमें यहां से अगर देखें यहां से एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये यहां से ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ये अल्फा है, हमें इसको साइन में चेंज करना है, इसको क्या करना है साइन में चेंज करना है। साइन में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को उस फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो अगर इसमें साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करती है क्या हो जाएगा,
यहां पर साइन अल्फा चाहिए हमें, तो यहां से अगर देखें तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको म्यू कंसिडर करते हैं और इसको वन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लें, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस अल्फा इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। उसी तरह साइन अल्फा इक्वल टू आएगा वन डिवाइड बाई म्यू वन प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर, ये समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें, इसके ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो f इक्वल टू म्यू एन जी होल डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब यहां से वन कॉस थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। ये कैलकुलेट कर लिए। अब ये कैलकुलेट कर लिए, हमें ये पता है कि यहां से ये जो टर्म है वन अपॉन म्यू वन प्लस म्यू स्क्वायर को हम साइन अल्फा लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं एफ जो है यहां से एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू स्क्वायर वन प्लस म्यू स्क्वायर और इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा साइन थीटा, इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। क्लियर, तो अब यहां से हम लोग देखें इसके आगे, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ इक्वल टू यहां से जो वैल्यू है म्यू एन जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर और इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा। और हमें यह पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन वो जो होता है साइन थीटा इक्वल टू वन होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वन होता है। अगर ये वन है तो इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू वन, तो एफ जो आएगा एफ इक्वल टू म्यू एन जी डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट में, और ये जो वैल्यू होती है यही मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर मूव द ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया ये जो कि मिनिमम फोर्स होता है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर, यही वैल्यू जो होती है मिनिमम फोर्स होती है। तो हमने ये जाना कि मिनिमम फोर्स क्या हो, कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। तो
हमने ये देखा कि मिनिमम वैल्यू जो आती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इज म्यू एम जी डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो आप नोट कर लीजिए, इसे रफ कर देता हूं मैं। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये है कि एक 10 ब्लॉक केजी ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ये जिसका मास 10 केजी है। इसको एक रफ सरफेस पे रख देते हैं, 10 केजी ब्लॉक को हम रफ सरफेस पर रखते हैं जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू इज इक्वल टू 0.5 है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तो हम इस पे एक फोर्स लगाते हैं 37 डिग्री पे, इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं 37 डिग्री पर, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हमें यह कैलकुलेट करना है कि अगर 37 डिग्री पर एफ फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, फोर्स क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ये जो है ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें यह फाइंड करना है कि यह ब्लॉक पहले मूव करेगा या लिफ्ट करेगा। तो फाइंड या कहें ऐसे चेक, चेक दैट द ब्लॉक फर्स्ट मूव और लिफ्ट अप, चेक दैट द ब्लॉक आर फर्स्ट, चेक दैट द ब्लॉक फर्स्ट मूव और लिफ्ट अप, और लिफ्ट अप। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस पे ग्रेजुअली फोर्स इंक्रीज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, लिफ्ट होगा पहले या मूव करेगा, इधर मूव करेगा या ऊपर तरफ लिफ्ट होगा, हमें ये कैलकुलेट कर देखना है इसमें। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है और सॉल्व करिए इसको। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले लिफ्ट करेगा या मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखें अगर, तो एफबीडी बनाते हैं इसका, एफबीडी। तो इसका एफबीडी अगर देखें, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम इसका अगर देखें, तो ये ब्लॉक जो है एफबीडी में देखें इसका, इस ब्लॉक का एफबीडी 10 केजी का है, तो नीचे जो है 10 जी फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ जो रहेगा नॉर्मल अप्लाई होगा एंड, और फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, तो एक होरिजेंटल कंपोनेंट होगा एफ कॉस 37 डिग्री, और अपवर्ड जो कंपोनेंट होगा एफ साइन 37 डिग्री, और इसकी वैल्यू जो साइन 37 डिग्री वैल्यू 3/5 f, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5 f। यह आप लोग को याद होगा, कई बार ये क्वेश्चनों में आ चुका है। और नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई होगा, वो होगा एफ इक्वल टू म्यू एन। यहां तक क्लियर है? तो इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि फ्रिक्शन कितना होगा। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स, नेट फोर्स अलोंग वाई जो होगा ये होगा 0, या कहें हम कि इसको हमें कैलकुलेट करना कि लिफ्ट अप करेगा या क्या करेगा पहले। तो नेट फोर्स अलोंग वाई, लिफ्ट अप करने के लिए क्या होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स ज्यादा होना चाहिए, मींस
एल माइनस एफ साइन 37 डिग्री एन प्लस एफ साइन 37 डिग्री माइनस टेन जी इस, और ये क्या रखिए फॉर लिफ्ट अप ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लिफ्ट अप के लिए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10g माइनस एफ साइन 37 डिग्री होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करें अगर हमें मिनिमम चाहिए तो n इक्वल टू 0 जिस समय n इक्वल टू 0 हो जाएगा ये बॉडी जस्ट लिफ्ट अप होने वाली रहेगी। तो हम लोग कहे इसे कि ये जैसे ही n इक्वल टू 0 हुआ ये बॉडी जस्ट लिफ्ट अप करने वाली होगी जस्ट यहां से उठने वाली होगी। हम लोग इक्वल टू के साइन ले सकते हैं यहां से n इक्वल टू 10g माइनस यहां से 3/5 f पुट कर सकते हैं। ये इसको मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगर इसके आगे कैलकुलेशन देखें तो इसके आगे कैलकुलेशन जो होगा नेट फोर्स अलोंग x, तो नेट फोर्स अलोंग x अगर कल देखें तो ये क्या होना चाहिए मूव करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर यहां से हम लिखें कि f cos 37 डिग्री माइनस f ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये हो गया 4/5 f माइनस माइनस म्यू एन माइनस म्यू एन यहां से म्यू एन ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर यहां से 4/5 एफ माइनस म्यू की वैल्यू 0.5 है और एन की वैल्यू यहां से कैलकुलेट किए हैं कि 10g माइनस 3/5 एफ और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहां से कैलकुलेट करें इसके साथ तो ये 4/5 एफ और प्लस इससे मल्टीप्लाई तो 1.5 डिवाइड बाई 5 एफ ये ग्रेटर देन इक्वल टू इनसे साथ मल्टीप्लाई 5g इनको सम कर दें तो f कॉमन f डिवाइड बाई 5 कॉमन आ जाएगा और इनको सम कर दें तो 4 प्लस 1.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5g। यहां से अगर देखें हम तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाओ इनको सम कर दें तो 5.5 f डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5g। तो f ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से 5 × 10 × मल्टीप्लाई करें तो 5 डिवाइडेड बाय 5.5 यहां से ये कैंसिल तो 1.1 तो f ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से 50 या कहेंगे 500 डिवाइड बाय 11 ये वैल्यू आएगा फॉर। और उसी तरह नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करें यहां से अगर नॉर्मल फाइंड करते हैं इस पॉइंट से नॉर्मल फाइंड करते नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी नॉर्मल इक्वल टू 100 माइनस 3/5 f। तो हमें क्या चाहिए लिफ्ट अप के लिए नॉर्मल जीरो होना चाहिए। फॉर लिफ्ट अप फॉर जस्ट लिफ्ट अप फॉर जस्ट लिफ्ट अप और जस्ट लिफ्ट अप
जस्ट लिफ्ट अप एन इजकल टू जीरो होना चाहिए, एन जीरो करें यहां से तो थ्री बाई फाइव एफ इजकल टू हंड्रेड। तो यहां से वैल्यू अगर देखें यहां से हम तो एफ इजकल टू 500 डिवाइड बाई 3 न्यूटन का फोर्स हमें चाहिए। तो इन दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यहां से अगर देखें इसमें तो ये वैल्यू आएगी यहां से, इस वैल्यू को देखते हैं और इस वैल्यू को देखते हैं यहां से। तो यहां से ये क्या है फॉर लिफ्ट अप, ये जो वैल्यू है फॉर लिफ्ट अप, और यहां से ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू जो है फॉर मूव। दो वैल्यू देखिए आप, यहां से दो वैल्यू अगर देखें हम लोग, एक वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है मूव कराने के लिए और ये वैल्यू लिफ्ट करने के लिए। अगर फोर्स की वैल्यू 500 बाई 3 आती है तो ये बॉडी क्या होगी जस्ट लिफ्ट अप करने वाली होगी। अगर फोर्स की वैल्यू 500 बाई 11 रख दे तो ये जस्ट यहां से मूव करने वाला होगा, ऐसे मूव करने वाला होगा। अगर ये मूव करना चाहता है तो यहां से देखिए कौन सी वैल्यू कम है, इनमें से कंपेयर करते हैं तो 500 बाई 3 और 500 बाई 11 मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम जो वैल्यू है 500 बाई 11 है, 500 बाई 11 इज लेस देन 500 बाई 3, इट मींस बॉडी फर्स्ट मूव। तो हम लोग कह सकते हैं कि द बॉडी मूव फर्स्ट, लिख सकते हैं यहां से द बॉडी या द ब्लॉक मूव फर्स्ट। क्यों मूव कर रहा था, बिकॉज एफ मूव इज लेस देन एफ लिफ्ट अप, एफ लिफ्ट इसको कहते हैं एफ लिफ्ट, एल आई एफ टी लिफ्ट, और ये क्या है मूव। तो मूव करने के लिए इतनी मूव फोर्स चाहिए और लिफ्ट करने के लिए इतना फोर्स चाहिए, लिफ्ट अप फोर्स ज्यादा है तो ये बॉडी लिफ्ट अप ना करके क्या करेगी मूव करेगी फर्स्ट। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं रह लेते हैं और अगले लेक्चर में हम देखेंगे, चाहे आप चाहें तो एक क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसी में आगे की तरफ आगे देख रहे हैं। अगर तो जल्दी से आप नोट करिए इसको और एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछ चुके हैं। एक क्वेश्चन हम और देखने जा रहे हैं जो आईआईटी में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन यह है कि एक ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक को रखा गया है, रफ सरफेस एक ब्लॉक रख दिए, ऐसे एक ब्लॉक है इसको स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया, ये क्या है स्ट्रिंग, ये एक वॉल है, इस वॉल से हम लोग इस स्ट्रिंग की सहायता से एक ब्लॉक एम मास के एक ब्लॉक को अटैच कर दिए और यहां पे जो है रफ सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कंसीडर करते हैं म्यू है। तो अगर हम यहां पर एफ फोर्स अप्लाई करें, ऐसे यहां पर एफ फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो हमें ग्राफ ड्रा करना है टेंशन, टेंशन किसमें आएगा स्ट्रिंग में, टेंशन आएगा टी। तो टेंशन और फोर्स के बीच में ग्राफ करने के लिए पूछा गया था आईआईटी क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें इसमें तो फोर्स और टेंशन, अच्छा ऐसा कहा जा सकता है, आप ये बताइए कि फोर्स जैसे जैसे हम फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, अगर माने कि फोर्स जो है यहां से कोई वैल्यू ए टी पर डिपेंड करता है, कंसीडर करते हैं कि अगर फोर्स ए टी पर डिपेंड करता है तो जैसे टाइम चेंज करेंगे फोर्स इंक्रीज करेगा, तो फोर्स ग्रेजुअली अगर इंक्रीज करता है तो पहले यहां पर टेंशन रहेगा या
फ्रिक्शन आएगा। तो अगर बात करें ऐसे कर सकते हैं कि ये जो रस्सी है इसको ऐसे रखा गया कि इसमें टेंशन क्या है, इनिशियली जीरो है। जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्शन में सबसे पहले कौन आएगा, फ्रिक्शन या टेंशन? अगर देखें लोग कि अगर यहां से फोर्स जीरो है, टेंशन जीरो, फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन इसमें रहेगा, ऐसे देखें कि अगर इसमें जो फ्रिक्शन रहेगा वो इस डायरेक्शन फ्रिक्शन रहेगा, फोर्स इधर है तो बॉडी इधर मूव करनी चाहिए, फ्रिक्शन के डायरेक्शन ये फ्रिक्शन। अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे जैसे ही फोर्स जीरो से बढ़ाते हैं ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली होगी, ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली होगी, तुरंत क्या रहेगा इस पे, जैसे ये बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी तो इसमें फ्रिक्शन आएगा। तो पहले कौन आएगा, पहले एक्शन में फ्रिक्शन आएगा, उसके बाद टेंशन आएगा। तो अब अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन, इधर हम फोर्स देते हैं क्योंकि फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करें, और टेंशन अगर देखा जाए तो ये फोर्स आएगा तो फ्रिक्शन आएगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बॉडी मूव नहीं करती है। इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ होगा, वो जो वैल्यू होगी यहां से एफ, इस वैल्यू तक जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाते हैं बॉडी मूव नहीं करती है क्योंकि फ्रिक्शन एक्शन में आया है। लेकिन जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्रॉस किए, जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेंगे तो इस ब्लॉक स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे टेंशन भी बढ़ते जाएगा। इसका ग्राफ जो आएगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ हो गया फोर्स और टेंशन का। ये क्या है, टेंशन, ये ग्राफ जो है फोर्स और टेंशन के ग्राफ है। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये पूछा गया कि ये बताइए कि कौन एक्शन में पहले आएगा, फ्रिक्शन और टेंशन। तो आंसर आपको पता चला कि जो फ्रिक्शन होता है वो पहले एक्शन में आएगा और टेंशन बाद में। तो फिर अगर कल क्लास में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए बस इतना, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप, ना हो तो आप डाउट क्लास में आकर पूछ सकते हैं।